हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरु जी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोटरसाइकिल के फ्रंट डिस्क ब्रेक का ब्रेक पैड कैसे चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत इजी है। मेन काम आपको यही करना है कि ये जो दो आपका बोल्ट है, इसे ओपन करना है और ये कैलिपर बाहर आ जाएगा और आप इजीली ब्रेक शू को या ब्रेक पैड को चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसे ओपन करते हैं। और जैसे ही इस दोनों को आप रिमूव कीजिएगा, ये दोनों बोल्ट को, आपका जो ब्रेक कैलिपर है वो बाहर आ जाएगा। अगर सपोज ये इजीली बाहर नहीं आया तो इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा इस तरह से, उसके बाद इसको खींचिएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए, यही है आपका ब्रेक शू, पूरा घिस चुका है और यही दोनों के बीच में डिस्क रहता है। यहाँ पे यहीं पे आपका डिस्क रहता है और ये दोनों आपका ब्रेक पैड है। और यहाँ पे देखिए, ये ब्रेक पैड जो है यहाँ पे स्पिन से कनेक्टेड है एक जगह पे, तो इस पिन को आप ड्रैग कर लीजिए। ये पिन जैसे ही निकलेगा, ये क्लिप आपका निकल गया, और जैसे ही पिन निकलेगा देखिए, ये क्लिप आ गया बाहर। और उसके बाद आपको ये पिन निकाल लेना है। यहाँ पे अलग अलग मोटरसाइकिल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट जो बेसिक है, किसी किसी में एलन रहता है, किसी किसी में कुछ और रहता है, बट बेसिक जो है सेम होता है सब में। आप अगर ये कर रहे हैं तो आप दूसरा भी आप इसे ओपन कर सकते हैं इजीली, इस तरह से इसे थोड़ा सा स्ट्रक कीजिए। देखिए यहाँ पे पिन धीरे धीरे आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये पिन आ गया, इस पिन को बाहर आप निकाल लीजिए। देखिए पिन मेरा बाहर आ गया, और जैसे ही इस पिन को आप बाहर निकालिएगा, आपका ये ब्रेक शू फ्री हो जाएगा। देखिए एक ब्रेक शू, देखिए पूरा घिस चुका है, ये लास्ट है। और अगर आप इसे सही टाइम पे चेंज नहीं करेंगे तो आपका डिस्क ये स्पॉइल कर देगा। जैसे कि यहाँ तक तो ब्रेक मटेरियल था, इसके बाद अगर जाता तो आपका डिस्क पूरा क्रोड करना ये शुरू कर देता, मेटल के कांटेक्ट में आता ये, तब लास्ट था ऑलमोस्ट। उसके बाद ये नीचे दूसरा, देखिए ये वाला। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्लेट रहता है, स्प्रिंग प्लेट, तो इसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, जिस पोजीशन में है उसी प्लेट पोजीशन में से रहने देना है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है न्यू ब्रेक शू लगाने के पहले, कि ये जो आपका ये जो प्लेट है ये फ्रीली मूव करना चाहिए, बट इसमें फ्रीली मूव कर नहीं रहा है, तो ये सही नहीं है। आपका फ्रीली मूव करना चाहिए, बट इसमें ये जाम है पूरा। तो ये ब्रेक कैलिपर का कैसे कंप्लीट सर्विसिंग करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप उसे देख के, अगर आपका जाम है इस तरह से, तो आप उसको देख करके इस तरह से सर्विसिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसका सर्विसिंग कर लिया है और ये जो ब्रैकेट जो कि जाम था वो अब फ्रीली मूव कर रहा है, आराम से ग्लाइड कर रहा है। आप देखेंगे इस तरह से काफ़ी अच्छा हो गया ये। अब तो इसका सर्विसिंग कैसे करते हैं ये आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा उसका नेक्स्ट वीडियो में। और अब इसमें ब्रेक पैड हम लोग इंसर्ट करेंगे। ब्रेक पैड इंसर्ट करने के पहले क्या होता है कि जैसे जैसे आपका ब्रेक पैड घिसता है, ये पिस्टन बाहर आने लगता है। तो जब आप नया इसमें ब्रेक पैड लगाएंगे तो ये जो पिस्टन जो बाहर निकला हुआ है उसे आपको अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं कीजिएगा तो वो ब्रेक पैड में जगह नहीं बन पाएगा और ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं होना हो पाएगा। तो इसलिए आपको पिस्टन को अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस तरह से
इसे प्रेस कीजिए। अगर आपके पास सी क्लैंप है तो इजी है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से चला जाएगा अंदर। देखिए एक पिस्टन आपका चला गया अंदर, और इसी तरह दूसरे पिस्टन को आपको करना है अंदर। तो हमारा पिस्टन अंदर चला गया आराम से, और उसके बाद ये रहा हमारा ओल्ड ब्रेक पैड्स और ये हमारा न्यू ब्रेक पैड्स। देख सकते हैं डिफरेंस, ये घिस चुका है। और इसमें होता क्या है कि जैसे कि ड्रम ब्रेक में आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ता है एडजस्टिंग स्क्रू, जैसे जैसे घिसता है आपका ब्रेक पैड प्ले आने लगता है आपके ब्रेक लीवर में। बट इस डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि जैसे जैसे ये पैड घिसता है ये पिस्टन ऑटोमेटिकली इसे एडजस्ट कर लेता है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो इसीलिए ऐसा ही होता है। और ब्रेक पैड अगर आप ओरिजिनल लेंगे जेन्युइन पार्ट्स सर्विस सेंटर से शोरूम से, तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। जो जेन्युइन रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, अभी उसका प्राइस थोड़ा कम हुआ है। बट अगर आप इस तरह का लीजिएगा, ये भी अच्छी क्वालिटी का रहता है, जैसे कि इस तरह का आता है, तो ऐसा नहीं कि ये सब खराब होता है, ये भी अच्छा होता है। बट ये चीप पड़ता है कंपेयर टू अगर आप वो पार्ट्स लेंगे जेन्युइन वाला। और मैं भी शुरू शुरू में डरता था, मैं सोचता था कि इतना प्राइस में डिफरेंस, तो ISO 9001-2008 को, मतलब ये भी अच्छा होता है इसका क्वालिटी। मैं भी पहले शुरू शुरू में डरता था कि यार चीप है, इसका लाइफ कैसा रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 10 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। बट नहीं, ये अच्छा रहता है, मैं हमेशा इसे ही यूज़ करता हूँ और इसका लॉन्ग लाइफ रहता है। और पहले मैं सोचता था कहीं ये हार्ड होगा तो डिस्क को थोड़ी डैमेज कर देगा, तो नहीं ऐसा भी नहीं है, डिस्क भी आपका सेफ रहेगा और इसका लाइफ भी अच्छा होता है। बट प्राइस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है, बट ये क्वालिटी इसका अच्छा रहता है। और ये जो आस्क कंपनी है एस के, तो ये और भी बहुत सारे ब्रेक पैड्स बनाती हैं ड्रम के लिए डिस्क के लिए, तो क्वालिटी अच्छा रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आप किस तरह का चूज कर सकते हैं, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो आइए इसमें ब्रेक पैड लगाते हैं। सबसे पहले ये प्लेट यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अच्छे से, इसे भूलना नहीं है, अच्छे से प्रेस कर दिए। ये हो सकता है बार बार बाहर आए, बट इसको अच्छे से आपको लगाना है। उसके बाद ब्रेक पैड नंबर 1 अच्छे से लगा दीजिए इसको अपने जगह पे। जब तक आप इसे अच्छे से लगाइएगा नहीं अपने जगह पे, इसमें आप पिन इंसर्ट नहीं कर पाइएगा। और ये ब्रेक पैड नंबर 2 ये भी लग गया। अब इसे अच्छे से होल्ड करके हम लोग यहाँ पे पिन इंसर्ट कर देंगे। देखिए ये आ गया हमारा पिन, और इसका होल ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे हम लगा देंगे इस पिन का लॉक, ताकि ये पिन बाहर ना आए। ओके, अब ये हमारा रेडी हो गया। अब इसे इंसर्ट करेंगे, इस ब्रैकेट को होल्ड करके इससे स्पेस इसमें बना लीजिए और इससे इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए। ये जो दो गैप है इसमें डिस्क आएगा, इस तरह से इंसर्ट करना है। ये जो गैप है आपका, इसी के बीच में आपका डिस्क आएगा ये, तो इस तरह से आपको केयरफुली इंसर्ट करना है। देखिए आ गया, और यहाँ पे जो आपका 2 बोल्ट था वो लगा देना है, 1 और ये 2। अच्छे से इसको टाइट कर दीजिए। तो इसी के साथ आपका ब्रेक पैड चेंज हो गया और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और जब आप ब्रेक
लीवर को एक दो बार ऑपरेट करेंगे तो वो फ्री फील होगा, और जैसे एक या दो बार आप ऑपरेट करेंगे उसे वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक पैड को एडजस्ट करता है पिस्टन, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर से आपका ब्रेक पैड इफेक्टिव हो गया है, न्यू आपने चेंज कर लिया है। तो आपने देखा कि कितना इजी है अपने डिस्क ब्रेक का ब्रेक पैड चेंज करना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस ये दो बोल्ट खोल करके आप इसे चेंज कर सकते हैं, और अगर सर्विसिंग करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं लिंक दे दे रहा हूँ नीचे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस ब्रेक कैलिपर का कैसे सर्विसिंग करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके मोटरसाइकिल में डिस्क पैड का प्रॉब्लम आए, वो घिस जाए, तो आप खुद से उसे चेंज कर सकते हैं। सही टाइम पे उसे चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी मैं अगर नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियोज़ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।